ताजा खबरें। चंद्रपुर पर्यटकों की लाडली मीरा की हुई मौत। पट्टेदार वाघों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में बड़ी संख्या में बाघ उपलब्ध हैं, जो अपने क्षेत्र में अपने नामों के कारण सभी पर्यटकों में काफी प्रसिद्ध हैं। इनमें से ही एक पर्यटकों की लाडली मीरा नामक बाघिन के मृत पाए जाने से पर्यटकों को काफी गहरा सदमा लगा है। मिली जानकारी के मुताबिक 3 दिन पूर्व ही वह ऐसे में जंगली भैंसों से उलझ गई थी। भैंसों के सींग से वह बुरी तरह जख्मी हो गई थी। पिछले 3 दिनों से वह ट्रेस नहीं हो पा रही थी। सोमवार को ताड़ोबा जंगल में वह मृत पाई गई है। जहर घटक कर प्रेमी युगल ने की खुदकुशी। शेगांव स्थानीय निजी गेस्ट हाउस में प्रेमी युगल ने जहर खाकर खुदकुशी करने की घटना सोमवार की सुबह उजागर हुई है। गेस्ट हाउस में 205 नंबर की खोली किराए से ली गई थी। सोमवार को कोई हलचल ना होने से गेस्ट हाउस के मालिक ने खोली का मुआयना किया, तब यह घटना का पता चला। प्रेमी युगल का नाम नंदू मसराम 40 साल का बताया गया है और जहां भारती सुरपाम 30 वर्ष की है। निवासी साले गोदनी धामना नागपुर के है। शहर पुलिस को यह खबर दे दी है। फिलहाल इस मामले की जाँच शुरू है। आज धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा। शारदीय नवरात्र के 10 दिन बाद मंगलवार के साथ शहर सहित जिले में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दशहरा मनाया जाएगा। शाम के समय जगह जगह पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।